मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित कार्यशाला में गौ माता और गौवंश के संरक्षण को लेकर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। साथ ही प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रदान की जाएगी। वही अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा, साथ ही नई गौशालाएं भी बनेगी। वही प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से ये गौवंश रक्षा वर्ष के नाते से मनाया जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है उन गौशालाओं को पूरा कराया जाएगा। हमारी सरकार ने विचार किया है कि हमारे अपने गौवंश को गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी अपनी चरनोई की भूमि अगर अतिक्रमित है तो उस अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिन गौशालाओं को संचालन के लिए, संधारण के लिए कोई कठिनाई है उस कठिनाई में हम मदद करेंगे। जिनको ज़मीन की ज़रूरत है राजस्व धर्मस्व के माध्यम से उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी सड़क के ऊपर कोशिश करेंगे कि गौवंश आवारा घूमता ना दिखे, उनको योग्य प्रकार से गौशालाओं में पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। गौशालाओं के लिए प्रति गाय जो अभी हमारी वित्त मदद रहती है वो 20 रुपये मिलती थी, और प्रति गोवंश वो 40 रुपया प्रति गोवंश दिया जाएगा। डबल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी हालत में गोवंश जो गौशालाएँ में रहते हैं उनको आने वाले समय में संचालन संधारण में तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से भूसा या अन्य प्रकार के जो उनके खाद्य सामग्री है उससे लेकर जुड़े हुए कोई यंत्र हैं, उन यंत्रों पे भी अनुदान देकर के गौशालाओं को मदद की।